को। थोड़ा नीचे करो, ई रोजु सायंत्रम इक्कड़ बाबूजी नगर लो ड्रग्स व्यतिरेक अवगाहन प्रोग्राम चयन जी मुख्य युवत चाल मंदिर ड्रग्स की अलवाट पड़ गंजाई की अलवाट पड़ तर जीवित मत नाशन ड्रग्स अनेस अलवाट पड़ते जीवित मत नाशन अंदम ड्रग्स नीचे युवत कापड़ा बाध्यता पुलिस पैना मरी स्थाक प्रजल पैन उबी स्थान प्रजल तो ममेकमें प्रोग्रम जी खाली युवत युवक विज्ञप्ति एला ड्रग्स का दाने जोली पवुद्धुद्धुद्धुद्धुद्धुद्ध ड्रग्स नीचे इनफर्मेसन उन्ना एवरना तागतना एवरना अम्मा एवरना कुंतना इनफर्मेसन पुलिस वारेजेना ड्रग्स निर्मूल कार्यक्रम में प्रजर भागस्वामी पुलिस वार चत को थैंक यू वन प्रोग्रम पार्टिसपेट पतंदर धन्यवाद। देश में ड्रग्स ज़्यादा हो गया, ये कम करना बोले तो पब्लिक का सपोर्ट होना है। पब्लिक सपोर्ट दिए तो हम भी पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्रग्स को। और कुछ इंफॉर्मेशन आए तो पुलिस स्टेशन में देना है, पूर्व का वो देने वालों को भी डिटेल्स रिवार्ड्स भी देते। और आप वो लोग का नाम भी ना बाहर नहीं आता। मिश्राबाद की जानिब से ये ड्रग्स और गांजा गुटखा के उसके वास्ते अवेयरनेस प्रोग्राम लगाए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम है। और जो अपने जो बच्चे हैं इसमें पूरे मुलवी होके गांजा सिगरेट गुटके में पूरी उनकी ज़िंदगी तबाह कर ले रहे हैं, इस वास्ते ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। और आज ये मशराबाद की तरफ से हमारे ये सारे मोमिन भाई मिलकर ये अपने मशराबाद में और हर जगह ये ड्रग्स गांजा गुटखा जो चल रहा उसको बंद होना बोल के हम पूरी गुजारिश कर रहे हमारे सीपी साहब से। और ये क्या है, हर घरों में लड़े हो रही, गांजा पी ले रहे, ड्रग्स पी ले रहे, कामों को नहीं जा रहे, जोरों को मारना, हर किसी को दम करना, किसी को छिड़के लड़ लेना। हमारी गुजारिश है कि उनसे ये इसको पूरे तरीके से बंद करे जाएगा। शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मोहम्मद गौस। ये कौन सा एरिया है आप जहाँ पे कर रहे हैं? ये मशराबाद है। मैं मशराबाद वाईएसआर तेलंगाना से डिवीजन प्रेजेंट हूँ। इधर सब लोग हमारे पूरे हल पार्टी वाले मिलकर कर रहे हैं प्रोग्राम। ये कांग्रेस सर हमारे गौस भाई और ये सीपीएम से बाबा भाई, तेलंगाना से खलील भाई और ये पूरे हमारे कालेआम भाई ना सब पूरे मिल के ये करना चाह रहे कि ये ड्रग्स का गांजा ये जल्द से जल्द इसको बंद करा जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पर मशीराबाद बापूजी नगर में ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया ड्रग्स गांजा ये शराब जो है ना पी ले के नौजवान बच्चे अपने ज़िंदगियाँ तबाह कर ले रहे, इनके साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी भी तबाह हो रही। तो लिहाजा कमिश्नर साहब और हुकूमत से ये मुतालिबा है कि जो है ना इस पर रोक लगाई जाए। और हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से भी जो है ना गुजारिश है कि इसके ऊपर तवज्जो देके जो है ना इसको बंद करा जाए। इसमें जो है ना सबके लिए भलाई है और सबका अच्छा होता। आज हमारे मशीराबाद पीएस से जहांगीर आजम साहब की तरफ से ये ड्रग्स का प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग। ये कुछ भी जो ड्रग्स किसी को पता चलता इमीडिएटली वो इन्फॉर्म करिए। इन्फॉर्म करने के लिए कहीं जाना बच जाएंगे, किसी के घरों बच जाएंगे, किसी का नशा छूट जाएगा, हर किसी का सहूलत में रहेंगे। ये क्या हो गया बोले तो आजकल हर किसी को खाली ड्रग्स और गांजा उसका नशा लग गया है, उसमें लगातार लोग बहुत परेशान है, घर वाले परेशान हैं, उनके बीवी बच्चे सब परेशान हैं। उससे हमारी पब्लिक से अपील है कि जल्द से जल्द किसी को पता चले
या उन्होंने फ़ोन को 108 को कॉल करे या किसी लोकल पुलिस स्टेशन करे, उनको करने से उनका नाम भी सामने नहीं आएगा। हम उनको मशराबाद पीएस में कुछ अवार्ड भी दिलाएंगे और हमारे से कुछ कोशिश है कि हम भी उनको कुछ हेल्प करेंगे। देश को बचाओ, 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 देश को बचाओ,